Hey everybody, welcome back to Neera Educo. This is Niranjana Upadhyay and the topic that we are going to discuss today in this video lecture is some one-liner questions. Okay, तो आज के इस video lecture में हम कुछ one-liner questions को discuss करने वाले हैं जो कि frequently asked questions हैं, exams में बहुत बारी पूछे गए हैं. Okay, so let's start now. First question, पहला question है जॉन गाल्टन ने शांति और मतभेद मॉडल प्रस्तुत किया था, यानी जॉन गाल्टन ने पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट का मॉडल प्रस्तुत किया था. उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया था ट्रायंगुलर फॉर्म में कि थ्री एलिमेंट्स ऑफ वायलेंस, जिससे देशों के बीच में शांति और मतभेद जो है वो उत्पन्न होते हैं. तो मतभेद उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हैं? पहला तो है जो कंट्रीज़ का बिहेवियर होता है, ठीक है, बिहेवियर जिनके कारण कंट्रीज़ के बीच में मतभेद उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसे उग्रवादी हमले हो गए, ठीक है, इंसर्जेंसी अटैक हो गए, एक दूसरे के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार हो गया एक दूसरे के प्रति, ठीक है. तो डिस्क्रिमिनेटरी जो बिहेवियर होते हैं जिसके कारण कंट्रीज़ का एक दूसरे के प्रति जो मतभेद है उत्पन्न होता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं. तो पहला कारण हुआ व्यवहार, बिहेवियर के कारण. दूसरा आता है एटीट्यूड, कंट्रीज़ का एटीट्यूड यानी कि उनकी मनोवृत्ति. कंट्रीज़ का एक दूसरे के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया रहता है, ठीक है, जैसे जातिवाद हो गया, लिंग भेद हो गया, जिनके कारण उनका एक एटीट्यूड बना रहता है एक दूसरे के प्रति, जिसके कारण उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी मतभेद होते रहते हैं, ठीक है. यहाँ पर कंट्रीज़ एक दूसरे के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करती हैं, ठीक है. और यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं जिनका इन्होंने एक एटीट्यूड अपना के रखा हुआ है, एक भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती हैं कंट्रीज़ एक दूसरे के प्रति. फिर तीसरा कारण है कॉन्ट्राडिक्शंस यानी परस्पर विरोध कंट्रीज़ का आपस में होता रहता है एक दूसरे के प्रति, ठीक है, जैसे आपस में डिस्प्यूट होते रहते हैं, ठीक है, मतभेद होते रहते हैं, कभी रिसोर्सेज को लेके, ठीक है, संसाधनों को लेके उनके बीच में मतभेद होता है, फिर कभी टेरिटरी को लेके, ठीक है, जो सीमा रेखा विवाद कंट्रीज़ का एक दूसरे के प्रति, जैसे इंडिया चाइना हो गया, इंडिया पाकिस्तान, तो इनके बीच में जो मतभेद है वो उत्पन्न होते रहते हैं. तो जॉन गाल्टन ने बताया, ये थ्री फ्रेमवर्क दिया इन्होंने, ठीक है, थ्री एलिमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से कंट्रीज़ का एक दूसरे के प्रति जो है मतभेद उत्पन्न होता रहता है. अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, इंटरनेशनल रिलेशन में जो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट है वो होते रहते हैं इन तीन कारणों की वजह से, बिहेवियर, एटीट्यूड और कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है, ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया, ठीक है, क्यों स्थापित किया? बहुमुखी विकास के लिए. ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है, ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश किया, क्यों? ताकि इन कंट्रीज़ का बहुमुखी विकास हो सके, ठीक है, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किसने स्टैब्लिश किया था? चाइना ने, ठीक है. क्यों स्टैब्लिश किया था? ताकि एशियन कंट्रीज़ का मल्टीलेटरल डेवलपमेंट हो सके, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट हो सके, एशियन कंट्रीज़ का बहुमुखी विकास हो सके.
जिसके लिए चाइना ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक स्टैब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन, यूएनओ जिन देशों का नामांकन लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ में करता है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं कंट्रीज़ को अल्प विकसित देशों में डालता है। ठीक है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 1995 में। और ये किसकी रिप्लेसमेंट पे आया था? GATT की। ठीक है, तो UNO जिन कंट्रीज़ का नाम लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ में करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं कंट्रीज़ का नाम जो है वो अल्प विकसित देशों में डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया 8 बारी सुरक्षा परिषद का मेंबर बना है और जापान 11 बारी। ठीक है, इंडिया जो है वो 8 बारी सुरक्षा परिषद का मेंबर बना है और जो जापान है वो 11 बारी मेंबर बना है सुरक्षा परिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 में नाटो ने कोसोवो में विशिष्ट सांस्कृतिक सफाई को लेकर हमला किया था। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1949 में। ठीक है, ये क्या है? नाटो क्या है? नाटो अमेरिका का एक सैनिक संगठन है, संगठन है। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने कोसोवो में एथनिक क्लिंजिंग को लेकर यानी सांस्कृतिक सफाई को लेकर हमला कर दिया था। कोसोवो कहाँ पे? कोसोवो सर्बिया के अंदर में है। ठीक है, तो सर्बिया के अंदर कोसोवो है जिसमें नाटो ने हमला कर दिया था। क्यों हमला किया था? एथनिक क्लिंजिंग को लेकर यानी सांस्कृतिक सफाई को लेकर उसने हमला कर दिया था, जिसका बाद में रशिया और चाइना ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, इसकी निंदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जियन वॉर 2008 में हुआ था, जिसमें रूस ने ओसेटिया और अबखाजिया का समर्थन किया था। 2008 में जॉर्जियन वॉर में रशिया ने ओसेटिया और अबखाजिया का समर्थन किया था। ये दोनों रिपब्लिक हैं। एक क्वेश्चन और बनता है इसके पीछे कि USSR का विघटन जो है, डिसइंटीग्रेशन, USSR का विघटन 26 दिसंबर 1991 में हुआ था और उसके बाद ये 15 रिपब्लिक में डिवाइड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक पर मार्च 2003 में हमला किया गया था क्योंकि इराक ने जनसंहार यानी कि मास डिस्ट्रक्शन वेपन जो है वो रखे थे। तो किसने हमला किया था? यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, यूएनओ ने इराक पर हमला कर दिया था 2003 में। ठीक है, क्यों हमला किया था? इराक ने जनसंहार हथियार रखे हुए थे यानी कि मास डिस्ट्रक्शन वेपन जो है वो रखे हुए थे अपने पास में, और इसका सद्दाम हुसैन के साथ संबंध था। ठीक है, सद्दाम हुसैन के साथ में, अलकायदा के साथ में, ठीक है, इसके काफ़ी संबंध थे जिसके कारण यूएनओ ने इराक पर हमला किया था। और उस समय के सेक्रेटरी जनरल कोफी आनन ने कहा कि ये जो हमला किया गया इराक पर, इराक के लोगों की मदद की गई है जिससे वो अपनी जो स्वतंत्रता है उसको रिकवर कर पाएँ। ठीक है, उनकी स्वतंत्रता का, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, इराक के लोगों की मदद की जा रही है ताकि अपनी स्वतंत्रता को रिकवर कर पाएँ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, सर जॉन चिलॉट कमीशन, ये कमीशन क्यों बनाई गई थी? ये कमीशन बनाई थी इराक पर हमले की जांच के लिए, कि जो 2003 में जो इराक पर हमला किया गया था उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये कमीशन बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सी यानी कि 3 माइल्स तक क्या होता है, टेरिटरी होता है, 3 माइल्स तक टेरिटरी आती है, फिर 12 माइल्स तक शिपिंग आता है, उसके बाद 200 माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, ठीक है, ये क्या है, लॉ ऑफ सी है। नेक्स्ट है वॉशिंगटन कंसेंस, अभी वॉशिंगटन कंसेंस क्या है, किसने स्टार्ट किया था, ये एक 10 प्रिंसिपल है जिसको जॉन विलियमसन ने दिया था, जॉन विलियमसन ने दिया था 1989 में, ठीक है, क्यों दिया था, ताकि विकासशील देशों में आर्थिक सुधार हो सके, ठीक है, कैसे हो सके, फ्री ट्रेड के ज़रिए, ठीक है, फ्री मार्केट के ज़रिए, ठीक है, और एक्सचेंज रेट जो हो वो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो, और इनकी आर्थिक स्थिरता के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए, ठीक है, इन कंट्रीज़ में, और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिले, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा मिले, और जो गवर्नमेंट से जो बोरोइंग है यानी उनसे जो लोन लिया जाता था गवर्नमेंट से, उसको कम किया जा सके, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिल सके, और क्यों हुआ था बेसिकली ये, ताकि विकासशील देशों में आर्थिक सुधार हो सके, ठीक है, फ्री ट्रेड के ज़रिए, फ्री मार्केट के ज़रिए, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो, उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा मिले, और गवर्नमेंट से जो लोन लिया जाता था बोरो करके, ठीक है, उसको तो कम किया जा सके, ताकि इन कंट्रीज़ में, विकासशील कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आर्थिक सुधार हो सके, ठीक है, इसलिए था ये वॉशिंगटन कंसेंस, किसने दिया था, जॉन विलियमसन ने 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस क्राइसिस कब हुआ था, 1956 में हुआ था, यूनाइटेड मिशन इन कोसोवो कब हुआ था, अभी हमने ऊपर पढ़ा 1999 में, और सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इन इराक कब हुआ था, 2002 में हुआ था, और 3 में उस पर हमला हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है SALT-1, SALT की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, ठीक है, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। तो फर्स्ट सॉल्ट कब हुआ था, 1972 में, सेकेंड सॉल्ट हुआ था 1979 में, देन स्टार्ट क्या है, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है, तो पहला जो स्टार्ट है वो कब हुआ था, ये हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, ठीक है, इनके बीच में हुआ था ये दोनों, सॉल्ट एंड स्टार्ट दोनों, तो स्टार्ट 1 1991 में एंड स्टार्ट 2 1993 में, और सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी इंडिया का 1996 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस एम्बेसीज केन्या और तंजानिया पर हमला हुआ था 1998 में, तो यूएस की एम्बेसीज हैं ये केन्या और तंजानिया, जिन पर हमला हुआ था 1998 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनल्ड रीगन ने यूएसएसआर को इविल एम्पायर बताया, ठीक है, रोनल्ड रीगन यूएस के प्रेसिडेंट, जिन्होंने यूएसएसआर को एक इविल एम्पायर बताया, एक दुष्ट साम्राज्य बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडले बुल एक ब्रिटिश यथार्थवादी थे, जिन्होंने कहा था कि शस्त्रों की होड़ अपने आप में
आतंक का अनुभव है, आतंक का अनुभव है। नेक्स्ट है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति किसने दी थी? एन क्रुश्चेव ने। ठीक है, यूएसएसआर के थे, इन्होंने क्या नीति दी थी? पीसफुल को एग्जिस्टेंस की नीति दी थी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की नीति दी थी एन क्रुश्चेव ने। ये अमेरिका और बाकी अलाइज के साथ में भी, अमेरिका और बाकी जो अलाइज थी उनके साथ में भी एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की नीति जो है वो अपनाने की बात करते थे। और इससे पहले जितने भी यूएसएसआर के लीडर थे, स्टालिन जैसे हो गए, उन सब की नीतियों से बिल्कुल ही डिफरेंट थे जिन्होंने ये पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की नीति जो है वो अपनाई थी अपनी फॉरेन पॉलिसी में, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी? एन क्रुश्चेव ने। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अर्थशास्त्र में कितने तरीके बताए थे? 40। ठीक है, 40 वेज बताए थे कौटिल्य ने जिससे करप्शन जो है उसको रोका जा सके, भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। इसके लिए उन्होंने 40 तरीके बताए थे अर्थशास्त्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन के अंदर में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के अंदर में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? सामाजिक आर्थिक परिषद 4 मेंबर है, जिसमें जो जनरल असेंबली है वो इनको इलेक्ट करती है, जिसमें इंडिया का जो टेन्योर है वो 2022 से 24 तक का है। ठीक है, 3 ईयर का टेन्योर होता है इनका, ठीक है, 3 साल का टर्म होता है, जिसमें इंडिया जो है वो 2022 से लेकर 24 तक के लिए इलेक्ट हुआ है। किसमें? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में, सामाजिक आर्थिक परिषद में यूनाइटेड नेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरन ए मिंग्स ने कहा कि पीस कीपिंग कॉपरेशन में यूएस की सेना का मतलब यूएस की जो फोर्सेस हैं उनका होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो पीस कीपिंग कॉपरेशन जो है उसके अंदर में जो अमेरिका है उसकी सेना का होना बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है। सो ये 21 लाइनर क्वेश्चंस हो गए, आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन है, बट अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें 22-30 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो रखे हैं। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे, और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।